गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता क्या है, रेडियो एक्टिव किरणें क्या है, रेडियो एक्टिव किरणों में कौन कौन से तत्व होते हैं, अल्फा बीटा गामा, तीनों के बारे में आज हम डीप डिस्कशन करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार रेडियो एक्टिवता की डेफिनेशन पूछी गई है एग्जाम में। अल्फा बीटा गामा कण के बारे में पूछा गया है, इनके आवेश क्या होता है, इनके ऊपर जब किसी पदार्थ से ये निकलते हैं तो उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है और आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर आपने देख लिया, मतलब आपको रेडियो एक्टिवता, अल्फा बीटा गामा कण, इसके बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं। आपका जितना भी एग्जाम से रिलेटेड होगा वो सब कुछ आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडियो एक्टिवता होता क्या है, रेडियो एक्टिवता समझते हैं। किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होने की घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ हुआ, उससे यदि स्वतः ही कुछ भी किए बिना स्वतः ही उसमें से किरणें निकल रही है, यानी कि वो पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और ये जो घटना हो रही है ना, किरणें निकलने की, स्वतः ही जो किरणें निकल रही है, उस घटना को अपन क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिवता कहते हैं। किसी भी पदार्थ से स्वतः ही किरणें निकलने की घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं, तथा वे पदार्थ जो इस घटना या इस प्रभाव आएगा, ये गलत लिख दिया, पदार्थ इस प्रभाव, तथा वे पदार्थ जो इस प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, किस प्रभाव को, स्वतः ही किरणें निकलने के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें निकलने की घटना रेडियो एक्टिवता कहलाती है, तथा वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं, तथा इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें या बैकुरल किरणें कहते हैं। कौन सी किरणें, जो किसी पदार्थ में से स्वतः ही किरणें निकलती है, उन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें या बैकुरल किरणें कहते हैं। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, एक्टिनियम हो गया, ऐसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, बहुत सारे होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व को पहचानना हो तो बहुत ही इजी है। एग्जाम में यदि कभी पूछ लिया जाए तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये रेडियो एक्टिव तत्व है, तो परमाणु क्रमांक आप जानते हैं। परमाणु क्रमांक किसी भी, जैसे ये एक्स है, कोई भी पदार्थ मान लिया, कोई भी तत्व है सॉरी, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, उसका परमाणु क्रमांक लिखते हैं। तो जो जिस जिस पदार्थ का परमाणु क्रमांक 83 से अधिक है, 83 से अधिक है, 83 से अधिक परमाणु क्रमांक होगा, किसी भी पदार्थ का परमाणु, तत्व का परमाणु क्रमांक 83 से अधिक है, यानी वो पदार्थ, वो तत्व रेडियो एक्टिव तत्व है। वे सभी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक है वे रेडियो एक्टिव तत्व है। आप चाहे तो यहां पर नोट कर भी लिख सकते हैं, इसके नीचे एक नोट डाल देना और लिख देना। अगर आपको नॉलेज, मतलब इसको सही से याद रखना है या नॉलेज वापस देखो तो भूलो नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखना, तो इसके नीचे ही नोट डालकर लिख देना। क्या लिखोगे, वे सभी पदार्थ या तत्व जिनका परमाणु क्रमांक, वे सभी पदार्थ या तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक है, 83 से अधिक है, वे सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं या रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। जिन जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होता है वे सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ओके, तो रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिवता क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व क्या है, बैकुरल किरणें क्या है, रेडियो एक्टिव किरणें क्या है, सब कुछ इस परिभाषा में और इसमें क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव किरणों में कौन कौन से कण होते हैं, तो उसके लिए पहले आप ये नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो रेडियो एक्टिव किरणें, नेक्स्ट रेडियो एक्टिवता के बाद जो आता है हमारा रेडियो एक्टिव किरणें। रेडियो एक्टिव किरणें क्या है, कोई भी पदार्थ या तत्व है, ये माना मैंने, ये पदार्थ ये तत्व है, इससे जब अल्फा बीटा गामा का, इससे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है। हमने क्या पढ़ा था, किसी भी पदार्थ से स्वतः किरणें निकलने की घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। जो स्वतः किरणें निकलती है उन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। तो इस पदार्थ से तीन प्रकार के
रेडियोएक्टिव किरणें निकलती है और रेडियोएक्टिव किरणों में से तीन प्रकार के कण निकलते हैं। एक रेडियोएक्टिव किरण जो होती है उसमें तीन प्रकार के कण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ओके, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा क्या होता है, ये धनात्मक कण होता है, ये बीटा ऋणात्मक और ये निरावेशित कण होता है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बढ़ते रेडियोएक्टिव किरणें। तो रेडियोएक्टिव किरणें अपारदर्शी पदार्थ को भेदने की क्षमता रखती है। कैसे, जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, आपके हॉस्पिटल में गए होंगे कभी, आपने देखा होगा एक्सरे निकालते हैं, आपके कभी कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ होगा या बॉडी में कभी एक्सरे निकलवाया होगा आपने, तो एक्सरे निकालते हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर की हड्डियां उस एक्सरे में दिखाई देती है, उस एक्सरे के अंदर दिखाई देती है। तो वो क्या, कैसे दिखाई दे रही है, रेडियोएक्टिव किरणों के कारण। रेडियोएक्टिव किरणें जैसे ही वो फ्लैश ऑन करता है और उसके जो कण होते हैं, किरण, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, अपारदर्शी पदार्थ को भेदने की क्षमता रखती है। हड्डियां तो बाहर नहीं दिखती है, अपारदर्शी है, यानी ऊपर हमारी चमड़ी है, पर वो पस पर उस चमड़ी को भेद कर वो रेडियोएक्टिव किरणें होती है वो अंदर जाती है और एक्सरे निकालकर, एक पेज पर निकालकर एक्सरे हमको मिल जाता है। किस वजह से मिलता है, रेडियोएक्टिव किरणों के कारण। और रेडियोएक्टिव किरणों में मुख्यतः तीन कण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अल्फा धनात्मक होता है, बीटा ऋणात्मक होता है और गामा निरावेशित होता है, तो ये भी नोट कर लो। इसके बाद हम अल्फा, बीटा और गामा तीनों कणों की तुलना करेंगे, किस पर कौन सा चार्ज होता है, भेदने की क्षमता किसकी अधिक होती है, किसकी कम होती है, और भी बहुत सारी चीजें जिस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए कि रेडियोएक्टिव किरणें अपारदर्शी पदार्थों को भेदने की क्षमता रखती है, जिसका एक अच्छा उदाहरण जो हम एक्सरे निकलवाते वही है, रेडियोएक्टिव किरणों में मुख्यतः तीन कण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। हाँ, तो अब हम करेंगे अल्फा, बीटा तथा गामा तीनों कणों की तुलना, के तीनों कणों के गुणों की तुलना करेंगे कि किसकी प्रकृति कैसी होती है, किसका आवेश कैसा होता है, ऊर्जा, आयन विभव, भेदन क्षमता, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव और ऊर्जा स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तीनों का हम देखेंगे। तो गुण किसके, अल्फा, बीटा और गामा तीनों कणों के गुण कैसे है। सबसे पहले प्रकृति कैसी है इन तीनों कणों की। प्रकृति में अल्फा कण है जो धनावेशित होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, अल्फा कण है वो धनावेशित होता है, बीटा कण है वो ऋणावेशित होता है, ये भी मैं आपको बता चुका था। और जो गामा कण होता है वो किस, इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति में ये फोटोन या विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करता है, इस प्रकार की इसकी प्रवृत्ति होती है। फोटोन में आपको बता चुका हूँ फोटोन कैसे होते हैं, फोटोन सतत रूप से गति नहीं कर विविक्त ऊर्जा के मंडलों के रूप में गति करते हैं, उन्हें फोटोन कहते हैं, फोटोन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फोटोन या विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं, इनकी प्रकृति उनकी तरह होती है। आवेश, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और ये पॉजिटिव होते हैं तो इसके आगे निशान भी धनात्मक ही होगा। बीटा कण जो है वो, उसका जो आवेश होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। यहाँ पर माइनस का निशान इसलिए आया क्योंकि बीटा कण जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान आएगा और 1.6, केवल एक इलेक्ट्रॉन ही इसका आवेश होता है और ये आवेश रहित होता है, गामा कण आवेश रहित होता है। ये सारणी पूरी अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेना ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाएगी इजीली। ऊर्जा, ऊर्जा किसकी अधिक होती है और कम, अल्फा कण की ऊर्जा कम होती है, यानी तीनों कणों में से सबसे कम जो ऊर्जा होती है वो अल्फा कण की होती है। बीटा कण की क्या होती है, अल्फा कण से अधिक होती है, और सबसे अधिक गामा कण की ऊर्जा होती है। यदि ऊर्जा की बात की जाए वो गामा कण की ऊर्जा होती है सर्वाधिक, क्यों, क्योंकि ये फोटोन के रूप में, और फोटोन में आपको पहले बता चुका हूं वो सतत रूप से गति नहीं कर विविक्त ऊर्जा के मंडलों के रूप में गति करते हैं, यानी ऊर्जा इसकी सर्वाधिक होती है। ओके, तो आयनन विभव, आयनन विभव अल्फा कण का सर्वाधिक होता है। आयनन, अल्फा कण की ऊर्जा भले ही कम छोटी, पर आयनन विभव जो होता है वो अल्फा कण का सबसे अधिक होता है, बीटा कण का अधिक होता है, और सबसे कम जो होता है वो होता है गामा कण का, आयनन विभव सबसे कम होता है। अब है भेदन क्षमता, किसी भी अपारदर्शी वस्तु को भेद करने की क्षमता या किसी भी वस्तु को भेदन करने की क्षमता इन तीनों कणों में से किसमें है सबसे कम होती है, सबसे कम होती है अल्फा में, बीटा में अधिक होती है, ठीक ठाक कर सकता है, अधिक होती है, पर सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा कण की। ओके,
फोटो हम निकालते अपने एक्सरे वगैरह निकालते हैं, उसमें सबसे अधिक जो कण उपयोगी है वो हमारे क्या उपयोगी है, गामा कण। ओके, फिर है फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव। फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव सबसे कम पड़ता है अल्फा कण का, सबसे अधिक पड़ता है बीटा कण का, और सबसे अधिक पड़ता है बीटा कण का और सबसे अधिक पड़ता है गामा कण का। ऊर्जा स्पेक्ट्रम, ऊर्जा स्पेक्ट्रम इसका होता है, अल्फा कण का होता है, रेखीय तथा विविक्त रूप से होता है, ये सतत रूप से नहीं होकर रेखीय तथा विविक्त रूप से होते हैं। बीटा कण जो है वो एकदम कंटिन्यूसली सतत इसका रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, और गामा कण का भी रेखीय तथा विविक्त रूप से होता है, केवल बीटा कण का ये जो सतत रूप से होता है, बाकी अल्फा और गामा दोनों ही कण। हाँ, तो ये सारणी अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और आज की क्लास यही खत्म होती है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे।